इधर देवरिया कांड के पीड़ित परिवारों से मिले अखिलेश यादव, उधर गोरखपुर में पिट गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आखिर गोरखपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने जमकर क्यों भाजी लाठियां? दो खबरें हैं। पहली ये कि देवरिया कांड के करीब 15 दिनों के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव देवरिया के फतेहपुर पहुंचते हैं, मृतकों प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे को श्रद्धांजलि देते हैं और दोनों परिवारों का हाल चाल जानते हैं। वहीं दूसरी ये कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर गोरखपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भाजती है। आखिर सपा कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर भीड़ क्यों लगाई थी कि गोरखपुर पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भाज दी? क्या इन दोनों खबरों के बीच कोई कनेक्शन है? अगर कनेक्शन है तो क्या अखिलेश यादव के देवरिया जाने की वजह से उनके कार्यकर्ताओं की पुलिस ने पिटाई कर दी है? अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ये माजरा क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलने के बाद देवरिया से जब अखिलेश यादव वापस लखनऊ लौट रहे थे, उनको गोरखपुर एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ना था। अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके कार्यकर्ता आतुर थे, साथ ही उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी और सपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट के टर्मिनल में घुसने का प्रयास भी करने लगे। जब गोरखपुर पुलिस ने ऐसा देखा तो उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिसके बाद गोरखपुर एयरपोर्ट के गेट पर जमकर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एसपी ट्रैफिक भी मौके पर मौजूद थे। इसी आनन फानन में अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे और विमान पकड़ने के लिए रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव जब देवरिया जाने के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे, तब उनसे मिलने के लिए उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया था। इसी वजह से उनके लौटने के वक्त भी गोरखपुर पुलिस एयरपोर्ट गेट पर मुस्तैदी से जमी थी और ये वाकया हुआ। गौरतलब है कि अखिलेश यादव देवरिया में प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के परिजनों से सोमवार को मिले थे, जहां अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी जमकर हमला किया था, साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। वहीं पीड़ित परिवारों को सांत्वना भी दी थी। अखिलेश यादव के देवरिया दौरे को लेकर यूपी की राजनीति भी गर्मा उठी है। वहीं अखिलेश यादव के देवरिया दौरे के बाद प्रेम यादव के परिवार के लिए एक अच्छी खबर भी आई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने प्रेम यादव के परिवार पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके बाद प्रेम यादव के परिवार की अपने घर को लेकर सता रही चिंता खत्म जरूर हुई होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।